हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तनिष्क गेमिंग की बिल्कुल नई वीडियो में। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे ही रहेंगे और हमारा आज का वीडियो देखने के बाद जरूर से अच्छे हो जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे मिशी शॉप 11.2 के बारे में, जिसके बंडल वगैरह भी यहाँ पे निकल करके आ चुके हैं एंड यहाँ पे लीड पास भी डाला गया। तो कैसा है मिशी शॉप एंड हमारे इंडियन सर्वर में कब तक आ जाएगा मिशी शॉप 11.2, सारी डिटेल जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखना। एंड हाँ गाइस, साथ ही साथ हम बात करेंगे फूड ट्रक इवेंट के बारे में भी एंड सनी गैरेज के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं एंड कब तक आ सकते हैं सारे के सारे इवेंट, सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखना। एंड हाँ गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड साथ ही साथ गाइस वीडियो को लाइक जरूर से करना, ये छोटा सा काम है आप लोग जरूर से कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले भी हम बात करेंगे सनी गैराज के बारे में, उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारा मिस्ट्री शॉप एंड फूड ट्रक इवेंट। तो गाइस बाहर के कुछ सर्वर में आ चुकी है हमारी सनी गैराज, यहाँ पे गाइस अपन को काफी सारे आइटम जो है देखने को मिले हैं, जो कि भाई हमारा वुल्फ वाला बंडल था वो भी यहाँ पे डाला गया है एंड वुल्फ वाला जो बंडल है गाइस वो हमारे इंडियन सर्वर के अंदर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे सनी गैराज नहीं आया, तो ये अपन को देखने को मिल सकता है गाइस हमारे मंडे के वेब इवेंट के अंदर। तो कौन कौन वेट कर रहा है सनी गैराज का आप लोग कमेंट करके बताना। यहाँ पे गाइस काफी सारे पुराने बंडल जो हैं वो यहाँ पे डाले गए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे रेयर रेयर बंडल यहाँ पे हैं, जो कि काफी खतरनाक बात है। एंड इसी के साथ साथ अपन को ऑपरेशन क्रोनो की बाइक जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बाहर के कुछ सर्वर में तो फ्री में ही दी जा रही है लेकिन अपन के वेब इवेंट में भी डाली जा सकती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे लेवल अप शॉप के बारे में, जिसके अंदर ब्लैक जर्सी यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है, ये इवेंट भी आ सकता है, इसके काफी ज्यादा चांसेस यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। चले गाइस आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करेंगे लेवल अप शॉप के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पे ब्लैक जर्सी जो है डाली गई है। तो पिछले मंथ गाइस हमारे फ्री फायर में आया था लेवल अप शॉप, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भाई लेवल अप शॉप के आने के चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी ब्लैक जर्सी है वो रिटर्न बैक आ सकती है, जो कि काफी रेयर यहाँ पे मानी जाती है। कौन कौन इसको रेयर समझता है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड जो हमारा थ्रोन इमोट है गाइस वो भी यहाँ पे डाला गया है, ब्लैक जर्सी भी यहाँ पे डाली गई है एंड इसके साथ जो हमारा रोज वाला बंडल था वो भी यहाँ पे डाला गया, तो काफी रेयर आइटम अपन को यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो गाइस जो भी इवेंट यहाँ पे आएगा, फूड ट्रक भी आ सकता है, उसमें अपन को देखने को मिल जाएगा। एक इवेंट जो है 18 दिसंबर से पहले आएगा, जो डिस्काउंट इवेंट यहाँ पे होगा उसमें अपन को ये सारी चीजें हैं देखने को मिल जाएंगी। एंड एक डिस्काउंट इवेंट आएगा भाई 22 दिसंबर के बाद में या फिर 24 दिसंबर के बाद में, उसमें अपन को लीड पास एंड और भी काफी सारे आइटम जो है देखने को मिलेंगे डिस्काउंट के अंदर, उसके बारे में भी आगे अभी बात करेंगे। इससे पहले गाइस एक और इवेंट यहाँ पे निकल कर आता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 80% डिस्काउंट जो है हमें मिल रहा है एंड गाइस यहाँ पे डेथ अपराइजिंग वाला बनल भी जो है डाला गया इस वाले इवेंट के अंदर, तो ये वाला इवेंट भी काफी खतरनाक है। इसमें गाइस ग्लू वॉल भी यहाँ पे डाली गई है, पुराने काफी सारे रेयर चीजें अपन को देखने मिलेंगी एंड स्ट्रीट बॉय बंडल भी यहाँ पे डाला गया है। तो आप लोग कौन सा वाला आइटम यहाँ पे निकालोगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। एंड अलोक का बंडल भी यहाँ पे देख सकते हो गाइस 299 डायमंड पे यहाँ पे डाला गया है एंड हमारी ब्लू वाली कार की स्किन भी डाली गई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई बहुत ही खतरनाक ये इवेंट होने वाला है, लेकिन गाइस इस वाले इवेंट में क्या होता है, एक पेज में मतलब एक ही अपन आइटम ले सकते हैं, तीन में से तीन ले सकते हैं, ऐसा होता है, इकट्ठे आइटम आप लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कैसा लगा है आपको ये वाला इवेंट आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना एंड आप लोग कौन सा वाला इवेंट चाहते हो हमारे इंडियन सर्वर के अंदर आए, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तो चले गए आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे M87 की न्यू स्किन के बारे में, जो कि विंटरलैंड M87 है। ये वाली स्किन गाइस बाहर के सर्वर में आ चुकी है फेडेड व्हील के अंदर, हमारे इंडियन सर्वर भी आज रात फेडेड व्हील के अंदर आ सकती है। तो कौन कौन चाहता है ये वाली स्किन जो है फेडेड व्हील के अंदर आए आप लोग कमेंट करके बताना। तो गाइस यहाँ पे आती है तो अपन के भाई 1500 डायमंड तक जो है लग सकते हैं, क्योंकि गाइस जो इसकी स्पिन होती है वो यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं गरीना वाले, अगर यहाँ पे कोई रेयर आइटम डाला जाता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आनी चाहिए फेडेड व्हील के अंदर। एंड इसके साथ जो हमारा AUG का न्यू स्किन है, मतलब ऑक का न्यू स्किन है, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारी M87 की स्किन के साथ ही। तो गाइस दोनों गन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मुझे काफी अच्छे लगे, आपको क्या अच्छा लगा है इन दोनों गन में आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो सबसे पहली जो गन है हमारी M87, इसमें अपन को मिल जाता है डबल रेंज प्लस मूवमेंट स्पीड, तो भाई काफी अच्छी स्किन है। एंड इसका जो हमारा ऑक का स्किन है वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसमें अपन को मिल जाएगा रेट ऑफ फायर प्लस एमओ एंड रिलोड स्पीड जो है इसकी माइनस करी गई है। एंड गाइस अगर फेडेड व्हील के अंदर नहीं आती है दोनों की दोनों स्किन, तो ये ऐसा कुछ इवेंट आ सकता है जिसके अंदर गाइस अपन को ये दोनों स्किन जो है देखने को मिल जाएंगी। तो आपको कैसी लगी है दोनों स्किन के एट्रीब्यूट्स कमेंट करके बताना एंड आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ दोनों के एट्रीब्यूट्स क्या है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आप लोग यहाँ पे भाई वीडियो रोक करके देख सकते हो दोनों के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये भी अपन को भाई देखने को मिल जाएगा अगर फेडेड व्हील के अंदर नहीं आता है। तो इसके बाद हम बात
करेंगे इस कैलेंडर बंडल के बारे में, जो कि गाइस ऐसे ही इवेंट के अंदर आया था, जैसे कि आपको मैं M87 के बारे में बताया है। तो ये वाला इवेंट भी अपन को देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर गाइस अपन को यहाँ पे स्पिन मारनी पड़ेगी। स्पिन मार करके अपन को जो टोकन है वो यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। टोकन के बदले गाइस आपको यहाँ पे बंडल वगैरह जो है एक्सचेंज करने में मिल जाएगा, जो कि काफी खतरनाक बात है। एक टोकन में सरबोर्ड मिलेगी, दूसरे पे अपन को बैकपैक मिलेगा, तीसरे पे आपको एवोल्यूशन स्टोन मिलेगा, चौथे पे आपको मिलेगा भाई हमारा ब्लू प्रिंट, ठीक है, जो अभी चल रहा है। उसके बाद अपन को मिल जाएगा गाइस हमारा मेल वाला बंडल, जो कि काफी खतरनाक बात है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे मिशी स्वैप 11.2 के बारे में, जिसका वेट यहाँ पे काफी सारे बंदे कर रहे हैं। तो बाहर के काफी सारे सर्वर में आ चुकी है हमारी मिशी स्वैप 11.2 एंड गाइस जो हमारे डायमंड रॉयल के डुप्लीकेट बंडल है, यानी कि गाइस उसी के सेम बंडल है, कलर चेंज किया गया है, वो यहाँ पे डाले गए। तो देख लेते हैं हमें कितना डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। तो भाई अपन ने देखना है भाई कितना डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा एंड क्या कुछ अपन को इसके अंदर जो है देखने को मिलने वाला। तो आप सभी देख सकते हो हमें मिल चुका है 87% ऑफ, जो कि काफी खतरनाक बात है। तो भाई मैं इसका जरूर से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ एंड अगर आता है तो मैं इसको जरूर से निकालने वाला हूँ बंडल जो है, ठीक है। तो आप लोग कौन कौन से निकालोगे कमेंट करके बताना। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो गाइस मिशी शॉप 11.2 यहाँ पे गाइस काफी सारे पुराने बंडल भी यहाँ पे डाले गए। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ डाला गया है। तो गाइस अपन को मिला है 87% ऑफ, जो हमारा मेल वाला बंडल है वो अपन को मिलेगा 194 डायमंड में, जो कि काफी खतरनाक बात है। एंड अगर हम फीमेल वाले बंडल पे जाते हैं तो अपन को मिलेगा भाई इलीट पास, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इलीट पास भी यहाँ पे डाल दिया गया गाइस मिस्ट्री शॉप के अंदर। तो गाइस ये मिस्ट्री शॉप जो है अपन को देखने को मिल सकती है हमारे इंडियन सर्वर के अंदर 24 दिसंबर को, ये आपको मैं यहाँ पे कंफर्म बता रहा हूँ। एंड बंडल वगैरह यहाँ पे चेंज किए जा सकते हैं, क्योंकि गाइस बंडल कंफर्म नहीं होते हैं, किसी सर्वर पे दूसरा बंडल डाला जाता है तो किसी सर्वर पे जो है दूसरा बंडल यहाँ पे डाला जाता है। तो गाइस यहाँ पे देख लो कितने सारे आइटम डाले गए हैं गाइस, इनक्यूबेटर वाउचर, डायमंड रॉयल वाउचर एंड इसके साथ गाइस हमारा जो इमोट है भाई लव वाला वो यहाँ पे डाला गया है। तो गाइस मुझे यहाँ पे ये जो मिस्ट्री शॉप आया मुझे काफी अच्छा लगा है। कौन कौन वेट कर रहा था ये वाली मिस्ट्री शॉप का आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। एंड गाइस जो हमारे डायमंड रॉयल के बंडल थे वो यहाँ पे भाई कलर चेंज करके मॉडिफाई करके जो है इनको मिस्ट्री शॉप के अंदर डाल दिया गया है, जो कि गाइस आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो गाइस मिस्ट्री शॉप जो है बहुत ही ओपी होने वाली है एंड इसके अंदर अपन को रूम कार्ड भी मिलेगा, आप सभी यहाँ पे देख सकते हो रूम कार्ड भी डाला गया है। एंड हमारे ड्रैगो एके के जो बॉक्सेस हैं वो भी यहाँ पे डाले गए, यानी कि टोकन वगैरह यहाँ पे डाले गए हैं। एंड बैकपैक भी देख सकते हो पांडा वाला बैकपैक डाला गया है, मैकेनिकल MP40 के बॉक्सेस यहाँ पे डाले गए हैं। तो काफी खतरनाक ये होने वाला है मिस्ट्री शॉप। एंड भाई ये बंडल जो है मैं यहाँ पे जरूर से निकालूंगा। एंड गाइस हमारा एक और बंडल आप लोग राइट में देख सकते हो, ये बंडल आया था वेब इवेंट के अंदर, तो ये भी मैं यहाँ पे निकाल लूंगा अगर आ जाता है हमारे इंडियन सर्वर के अंदर। तो एंड लीड पास की अगर बात करें तो अगर मिस्ट्री शॉप इस बार आता है हमारे दिसंबर मंथ में तो लीड पास आप लोग कन्फर्म मान के चलो कि गाइस अपन को देखने को मिल जाएगा डिस्काउंट इवेंट में। एंड अगर 20 के पहले कोई भी इवेंट आता है यहाँ पे गाइस, ठीक है, 20 के पहले कोई भी इवेंट आता है तो उसमें अपन को नहीं देखने को मिलेगा एलीट पास। एंड अगर 26 के बाद यहाँ पे कोई डिस्काउंट इवेंट आता है तो अपन को उसमें भी देखने को नहीं मिलेगा गाइस हमारा एलीट पास, जो कि आपको मैं यहाँ पे कंफर्म बता रहा हूँ। तो गाइस आज की अपडेट हो गई, आपको कौन सा वाला बंडल यहाँ पे अच्छा लगा है, मेल वाला अच्छा लगा है या फिर फीमेल वाला अच्छा लगा है, तो कमेंट करके जरूर से बताना। एंड जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी, जितनी भी डेट्स वगैरह थी एलीट पास डिस्काउंट इवेंट की सारी मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड आपका फेवरेट इवेंट कौन सा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तो मैं मिलूंगा गाइस आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड चैन गाइस। कैप्टन जैक स्पैरो।